देखिए अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और इनको मैंने अब थोड़ा सा धूप दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें अब देखिए ये ट्रू लीव्स आ गए हैं। हेलो एवरीवन, और देखिए मेरे हाथ में है ये समर फ्लावरिंग प्लांट और आज है एक मार्च, और मैं बताऊंगा कौन कौन से सीड आप लगा सकते हैं और क्या क्या पॉटी मिक्स रहेगा और कैसे आप उसकी केयर करेंगे सीडलिंग बनने तक। चलिए देख तो देखिए शुरू करते हैं पॉटिंग मिक्स। देखिए मैंने लिया है, ये है कोकोपीट 50%, होममेड लीफ कंपोस्ट 40%, एक मुट्ठी मैंने लिया है नीम खली। अच्छी तरह मिक्स कीजिए इनको। लीफ कंपोस्ट सीजन नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना पोरस है ये और कितना वेल ड्रेनिंग है और कितना हल्का मीडिया है। तो जब भी आप सीड लगाएं तो ध्यान रखें कि ये हल्का मीडिया लें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर सैंड भी नहीं है तो सिर्फ कोकोपीट भी अच्छी तरह काम करता है। तो देखिए मैं ये पॉट यूज़ करूँगा, मेरे पास ऐसे तीन पॉट हैं, ये और ये वाला पॉट। इसकी होल्स को आप कवर कर लीजिए और देखिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको या तो मीडिया और पॉट ऐसा लेना है कि उसमें पानी होल्ड भी ना हो और वो मॉइस्ट भी रहे। ओवर वाटरिंग से भी जो आपके सीड्स वो गल सकते हैं, तो इसलिए सीड लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिर्फ मॉइस्चर की वजह से, अदरवाइज़ सीड्स उगाना बहुत आसान है। पूरा फिल नहीं किया है मैंने इनको, क्योंकि बाद में हमको जो सीडलिंग्स है वो कहीं और ट्रांसप्लांट करनी पड़ेंगी दूसरे पॉट्स में, तो इनको फूल बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए अब लगाते हैं इनमें सीड्स। तो शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वो है कॉसमोस। तो देखिए मेरे पास ये दो हैं, एक येलो और ऑरेंज। तो जब भी आप सीड्स लें तो देखिए ध्यान रखिए कि ये सीड्स एक्सपायर्ड ना हो, जैसे कि मेरे सीड्स हैं एक्सपायर्ड होंगे सितंबर 2023 में। और सीड्स की क्वालिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन रेट कैसा है। अपने सीड के पैकेट पे कि उसका जर्मिनेशन रेट लिखा रहता है, जर्मिनेशन रेट 70%। मैंने ये पहले भी सीड्स लगाए हैं इस कंपनी के, तो ये अच्छी कंपनी है। और देखिए ये दोनों पैकेट के सीड मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये मैंने पूरा पैकेट यूज़ किया है। तो ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप सीड्स को दूर दूर लगाएं और ये ओवरलैप ना हो। और कॉसमोस काफ़ी इजी है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत आसानी से सीड से ये ग्रो हो जाता है। और अगर आप एक बार कॉसमोस लगा दें फिर आपको दोबारा बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और फिर का पॉटिंग मिक्स है उसको उसी से फिर इसको हल्का हल्का इसको कवर कर लेना है, आराम से प्रेस करना है इसको, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसा हो कि ये ऊपर लेयर मिक्स किया वो कॉन्टैक्ट रहे। और लेवल करने के लिए पैकेट था उसी में से लिया है और उसको ऐसे लगा दीजिए। और दूसरा जो हमारा समर फ्लावरिंग प्लांट है ये है जीनिया। जीनिया देखिए बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये वाला मिक्स है, इसमें मिक्स कलर्स हैं। तो जीनिया काफ़ी कॉमन है समर्स में, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी है जीनिया, और ये काफ़ी अलग अलग साइजेस में भी आता है। ये है देखिए जीनिया के सीड्स, इसको भी कवर कर लीजिए ऐसे, इसको भी कर लेंगे लेबल। देखिए लेबल करने के लिए मैंने उसमें से काट लिया है। और जो तीसरा हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो देखिए सनफ्लावर, और इसके बिना तो आई गेस समर्स अधूरी हैं। और ये मेरे पास है सनफ्लावर रशियन जाइंट, काफ़ी बड़ा फूल आता है इसका, मैंने एक बार लगाया है। यह है सनफ्लावर के सीड्स, काफ़ी बड़े सीड्स होते हैं ये। आप चाहे तो इन्हें एक रात के लिए इनको सोख करके रखिए और फिर अगले दिन, और ध्यान रखें कि ओवरलैप ना हो जितना पॉसिबल हो, क्योंकि मैं बहुत सारे सीड्स लगा रहा हूँ। आप चाहे तो एक ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो सीडलिंग ट्रे आती है उसमें आप अलग अलग कॉलम में लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं थी वो। और ये थोड़े से बड़े सीड्स हैं तो इनको थोड़ा सा डीप दबाइए आप। तो चलिए अब बात करेंगे अपने चौथे फ्लावरिंग प्लांट की, और ये है गलाडिया। एंड गलाडिया भी देखिए काफ़ी सुंदर लगता है ये। एंड चलिए इसके भी बीज दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हैं गलाडिया के बीज, तो इसमें देख काफ़ी छोटी लेयर लगाएंगे, ज़्यादा इनको डीप नहीं करेंगे चाहे। और हमारा पांचवा और आखिरी जो फ्लावर प्लांट है वो है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी एक वाइन होती है, और देखिए इतने अच्छे बढ़िया से इसमें फूल आते हैं, बहुत ही ब्राइट फूल आते हैं और बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें। ये तो मैंने पिछले 7-8 साल से उगा रहा हूँ और ये भी बहुत ईजी उग जाते हैं। सारे सीड्स हैं लगा लीजिए आप।
तो चलिए अब इसमें देंगे पानी। और देखिए मैंने एक लीटर में मिक्स किया है इसमें फंगिसाइड और एप्सम सॉल्ट। तो देखिए हमेशा जब आप सीडलिंग में पानी देते हैं तो ऐसे स्प्रे से दीजिए, क्योंकि अगर आप मग से देंगे सीड डाले थे हमने वो डिस्प्लेस हो सकते हैं एंड देन आपकी जो जर्मिनेशन रेट है वो भी कम हो सकती है। तो हमेशा ये ऐसे स्प्रे का यूज़ कीजिए। तो देखिए बात करें, मैंने इसमें डाला है एप्सम सॉल्ट और फंगिसाइड। तो फंगिसाइड जैसे कि इसमें फंगस नहीं आने देगा आपके सीड्स में, और एप्सम सॉल्ट उन सीड्स को अच्छी तरह मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगा। और मैग्नीशियम ओवरऑल की हेल्थ में बेनिफिशियल है और वो काफ़ी मदद करेगा टेबलिस्ट होने में। वीडियो करते हैं ख़त्म, और जाने से पहले आप कुछ बातों को याद रखें, हमेशा जब भी सीडलिंग्स तैयार करें सीड से तो सीड को हम ये जो आप पॉटी मिक्स है इसको हमेशा मॉइस्ट रखें, बहुत सारा पानी ना डालें इसमें, और अगला पानी जब भी डालें जब ये इसकी जो ऊपर की लेयर है थोड़ी सी सूखने लगे। दूसरा, हमेशा ऐसे मिस्टिंग से पानी डालेंगे इसमें आप, और इसको एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आती हो या फिर सुबह या फिर शाम की धूप आती हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने दिन में इसकी जर्मिनेशन होती है। मैंने इनको देखिए थर्सडे को लगाया था, आज है मंडे, 4 दिन बाद देखिए मॉर्निंग ग्लोरी में थोड़ी सी हलचल हो रही है, और इसमें देखिए स्प्राउट्स है, कॉस्मोस में भी है थोड़ा बहुत, ये देखिए इधर है, और जीनिया में भी दिख रहा है, गलाडिया में अभी कुछ नहीं है, और सनफ्लावर में भी अभी कुछ नहीं है। तो मॉर्निंग ग्लोरी और जीनिया अच्छा चल रहे हैं अभी। और फाइनली गलाडिया में देखिए कुछ हरकत हुई है, सिर्फ दो ही दिखे हैं अभी। देखिए अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और इनको मैंने अब थोड़ा सा धूप दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें अब देखिए ये ट्रू लीव्स आ गए हैं, इसमें अभी आने बाकी है। और इनको देखिए आई थिंक कुछ खा रहा है, या तो कुछ चिड़िया है, देखिए आप ऊपर से कुछ बर्ड्स वगैरह खा रही हैं इसको देखिए।